आमर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी बीजगणित अनुशीलन टू ए नंबर टू डिस्कशन करवा। पूर्व भिडियो नंबर वन डिस्कशन हो सारी तो देख नंबर टू कौन दी ना निम्नलिखित प्रश्न मान उत्तर दि कहे कौन कही निम्नलिखित प्रश्न मान उत्तर दि कहे तुम प्रश्न जो दिखाई द्विघात समीकरण जहाँ पढ़ी से आम करवा। देख फास्ट भी गोटे द्विघात समीकरण मूलद्वय थ्री और माइनस फाइव हेल्ले समीकरण टी निरूपण कर कहुई है तुम्हारे मूलद्वय दिखाई तो आम एनसर मुझे डायरेक्ट करूँ देख एनसर आम मूलद्वय मान मूल कौन रही है आलफा और बीटा तो आलफा इज इक्वाल टू के थ्री आटा इज इक्वाल टू के माइनस फाइव बीटा इज इक्वाल टू के माइनस फाइव। तो आम समीकरण टी कौन पढ़ी कि आम समीकरण टी आम पढ़ाई के समीकरण टी आम देख मन पकाओ समीकरण टी कौन थी ना समीकरण टी आम ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटु बीटा थी अल्फा इंटु बीटा इज इक्वल टू जीरो समीकरण थी। तो ए स्क्वायर मैंने कौन कही समीकरण टी निरूपण कर कहुई तो आम ए स्क्वायर पाइले तो ए स्क्वायर टा ए स्क्वायर रही है माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा अच्छे थ्री थ्री प्लस माइनस फाइव थ्री प्लस माइनस फाइव इंटु एक्स प्लस अल्फा इंटु बीटा अल्फा अच्छे थ्री आ बीटा अच्छे आम फाइव थ्री इंटु फाइव होगा देख आम ए स्क्वायर तापर माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस थ्री मैंने कहते आम पाँच रू तीन कले के दुई हिले बड़ संख्या माइनस उत्तर रही है माइनस माइनस टू एक्स प्लस पाँच थ्री के माइनस फाइव अच्छे ये अच्छे माइनस फाइव थ्री इंटू माइनस फाइव पाँच थ्री पंद्रह तो कैसे माइनस फिफ्टीन ये कैसे माइनस फिफ्टीन ये डायरेक्ट आम प्लस माइनस माइनस कर लिखे कि आउ थे मुझे लिखी दूसरी के स्क्वायर माइनस माइनस के प्लस इंटू टू एक्स प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन तो समीकरण पाइले के स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन ये एनसर बुझला। तो सेकेंड बिट देख सेकेंड बिट कौन दी एम ए स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो समीकरण मूल द्वयर गुणफल थ्री हेली मैंने मूल द्वयर गुणफल थ्री हेले एम रहा आम एम टी है एम रण कही एम रान निरूपण कर कहुई तो आम एटे कौन कही जेहतु आम दी जाए तो आम गुणफल मान आम मूल द्वयर गुणफल मूल द्वय आम कौन कही आलफा और बीटा तो मूल द्वयर गुणफल आलफा इंटु बीटा तो मूल द्वयर गुणफल मुझे लिखुची मूल द्वयर गुणफल मूल द्वयर कौन कही गुणफल मूल द्वयर गुणफल कौन ना आलफा इंटु बीटा आलफा इंटु बीटा इज इक्वल टू कौन पड़ा सी बाय ए आलफा इंटु बीटा इज इक्वल टू कटे आम आलफा इंटु बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो ये बर्तमान देख आम जो अच्छी तो ये आम कौन अच्छी तो देख ए बी सी बाहर करते हो ए इज इक्वल टू कैसे अच्छी ए इज इक्वल टू है एम बी इज इक्वल टू कैसे अच्छी माइनस टू अच्छी बी इज इक्वल टू कैसे माइनस टू डी एक्स प्लस सी सी इज इक्वल टू के ना टू एम माइनस वन अच्छे टू एम माइनस आम वन अच्छे तो मूल द्वारा गुणफल के थ्री कही तुम ये सैड्रे कर तो प्रश्न अनुसार ये सैड्रे कर प्रश्न अनुसार सरी यू आरंभ करवा तो प्रश्न अनुसार कौन कही मूल द्वारा गुणफल थ्री है मूल द्वारा गुणफल मैं सी बाय ए सी बाय ए इज इक्वल टू के आम थ्री सी बाय ए इज इक्वल टू जेहतु मूल द्वारा गुणफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए तो अमर सी बाय ए इज इक्वल टू कितने अमर थ्री दे दी नहीं तो इम्प्लाइज दैट अमर कौन है देख ए साइड रे अमर करबा ए साइड रे वर्तमान कर सी बाय ए सी रो मूल्य कितने अच्छे देख रे सी इज इक्वल टू कितने टू एम माइनस वन अच्छी कितने अच्छी टू एम माइनस वन बाय कितने अच्छी अमर ए ए रो मूल्य कितने अच्छी अमर एम इज इक्वल टू कितने अच्छी अमर थ्री अच्छी तो ये देख अमर थ्री तो ये थ्री तले कितने अच्छी अमर वन तो यहाँ को जब आम कौन करवा वज्रगुणन करवा यहाँ यार सहित गुणन करवा यहाँ यार सहित गुणन जब करवा कैसे टू एम माइनस वन इज इक्वल टू कैसे आमर एट देख यहाँ थ्री इंटु एम के थ्री एम इज इक्वल टू एपटे टू एम माइनस आम वन टू एम माइनस वन एक टू माइनस वन थ्री इंटु एम थ्री एम होगा तो इम्प्लाइज दैट के थ्री एम प्लस टू एम अच्छे एपटे आसे के माइनस टू एम इज इक्वल टू कैसे माइनस वन तो थ्री एम माइनस टू एम रु तीन टाइम एम रु दुटा अंगे एम तो एम इज इक्वल टू कैसे माइनस वन होगा तो मैं ये कौन कही एम रान निरूपण कर कहुई तो एम इज इक्वल टू कैसे पाइल आम माइनस वन पाइल तो ये आमर एनसर है प्रश्न को बुझी उत्तर करवा निश्चित भाव में सठी उत्तर आम शीघ्र पाइपर तो ये सेकेंड क्वेश्चन एनसर बर्तमान कौन करवा थर्ड आड़ को जी
एहीपरि भाव में नुआ नुआ भिडर अपडेट देखापी चाहती तेल चैनल टी सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब पाखे बेल आइकन प्रेस कर आमर अल् नोटिफिकेसन को क्लिक करनी जहाद्वारा यही न्यू चैप्टर न्यू नंबर भिड नोटिफिकेशन पाई और देखिपर तो चलां भिडियो को आम स्टार्ट थर्ड वीक क्वेश्चन आप सर तो थर्ड वीक कौन देखिए देख स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो समीकरण गोटे मूल टू हेले पी रो मान निर्णय करुच्छे गोटे मूल टू पर पी मैंने देख ये कौन अच्छी पी पी जगह आम कौन पढ़ चुके आम पढ़ी था स्क्वायर माइनस आल्फा प्लस बीटा इंटु एक्स प्लस आल्फा इंटु बीटा इज इक्वल टू जीरो मैंने मूल द्वर गुणफल देखा मूल द्वर गुणफल टू दिखाई ना पी मान कौन आल्फा प्लस बीटा मैंने मूल द्वर जोगफल आमको मांगी ये हिसाब से कले भी हम कि गोटे मूल जेहतु केमर टू दे तो यही हिसाब से जब सल्व करवा उत्तर आम पाई तो जो सैट कले भी आम किसी असुविधा नहीं जेहतु गोटे मूल आल्फा इज इक्वल टू टू देखिए लिखिद कौन दिखाई आम समीकरण दिखाई तो गोटे मूल कौन आल्फा इज इक्वल टू टू दे तो मन कर आल्फा इज इक्वल टू टू तो मोर प्रश्न अनुसार आल्फा इज इक्वल टू दिखाई एनसर लिखुची तो एनसर आल्फा इज इक्वल टू मन कर आल्फा इज इक्वल टू टू मन कर आल्फा इज इक्वल टू टू गोटे मूल दी मैंने आल्फा इज इक्वल टू मतलब बीटार मूल्य बाहर करेंगे बीटा जगह तो आल्फा प्लस बीटा बाहर जेहतु पी अच्छे पी एक्स मैंने पी जगह लिख के बाहर करवा आल्फा प्लस बीटार मूल्य आम बाहर करवा तो मन कर आल्फा इज इक्वल टू टू दीची यहाँ आमको सल्व करवाक पड़ो स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस टू तो आम जेहतु आल्फा प्लस बीटा तो करें तो आल्फा जेहतु आम गोटे मूल टू दीदी मैंने आल्फा इंटु बीटा है गोटे मूल टू दीदी तो मैंने आल्फा इंटु बीटा नहीं पारा कि आल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू भी लिखिपर तो यार आल्फा टू दीदी तो आल्फा इंटु बीटा तो आम प्रश्न अनुसार मूल द्वयर गुणफल गोटे मूल दे मूल द्वयर गुणफल मूल द्वयर गुणफल मूल द्वयर गुणफल इज इक्वल टू के आल्फा इंटु बीटा आल्फा इंटु बीटा हम आम के आल्फा इंटु बीटा इज इक्वल टू के मूल द्वयर गुणफल आल्फा इज इक्वल टू के टू नहीं तो आल्फा इंटु गोटे गोटे मूल टू तो आल्फा इंटु इज इक्वल टू के सी बाय ए हम आल्फा इंटु बीटा इज इक्वल टू के सी बाय ए तो ये आम देख ये बाहर कर दिखाई के इज इक्वल टू के स्क्वायर मान के वन बी इज इक्वल टू के बीज इक्वल टू है माइनस पी आई इज इक्वल टू के टू से आल्फा इंटु बीटा बाहर कर सी आटा दिखाई अलरेडी है तो आल्फा इंटु बीटा इज इक्वल टू के सी बाय ए तो आल्फा इज इक्वल टू के टू नहीं तो आल्फा इज इक्वल टू जेहतु टू तो टू लिखी दिखाई बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए सी अच्छी के टू अच्छी ए रूल्य के टू बाय वन तो इम्प्लायी देख आम टू बीटा इज इक्वल टू बाय वन इज इक्वल टू के टू तो टू बीटा इज इक्वल टू टू बाय वन इज इक्वल टू के टू है तो इम्प्लायज दैट बीटा इज इक्वल टू के टू बाय के गुण ही कहते हैं कौन हो हरण तो टू दुई एक दुई तो इम्प्लायज दैट आम बीटा इज इक्वल टू के पहले आम वन पहले बीटा इज इक्वल टू वन पहले तो आमको पी रूल्य बाहर कर तुमको कौन कही पी रान निरूपण कर स्पेसीफिक कार पकई दिली तो पी इज इक्वल टू के पी इज इक्वल टू देख पी जगह लिखी छूँ आल्फा प्लस बीटा तो पी इज इक्वल टू के आल्फा प्लस बीटा मैंने मूल द्वयर जोगफल तो आल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आल्फा इज इक्वल टू के पाइल आम ना आल्फा इज इक्वल टू पूर्व नहीं छू के टू तो बीटा इज इक्वल टू पाइल के वन तो टू प्लस वन इज इक्वल टू के थ्री तो पी रान के थ्री है तो यही एनसर है तुम डायरेक्ट पकई कि तुम उत्तर बाहर करते थर्ड क्वेश्चन रहा बर्तमान देख आम फोर बिट तो फोर बिट्रे कौन कही देख फोर स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो समीकरण मूल द्वय एक ओ अभिन्न हेले सी रान निरूपण कर पूछे देख एटे देख मूल द्वय ओ एक ओ अभिन्न कहते तो मूल द्वय एक अभिन्न मान के डी इज इक्वल टू जीरो जो आम प्रभेदक अच्छी तो डी इज इक्वल टू जीरो हेले एक ओ अभिन्न हे डी इज इक्वल टू जीरो तो यार बाहर करवा प्रथम ए इज इक्वल टू फोर बी इज इक्वल टू है माइनस टू आ ए सी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू तो आम ये अलरेडी आम सी अच्छे सी रान आमको बाहर करार कही कि तो आम एटे अच्छी कौन प्रश्न अनुसार एक अभिन्न दिखाई तो यार प्रश्न अनुसार एक अभिन्न कही तो समीकरण मूल दे एक अभिन्न मैं डी इज इक्वल टू जीरो प्रश्न अनुसार डी इज इक्वल टू जीरो डी इज इक्वल टू जीरो मैंने क्या आसो डी इज इक्वल टू जीरो मैंने क्या डी रूल्य डी र आमर सूत्र कौन जानू ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू आम के जीरो
ठीक है तो आमर इम्प्लाय बी स्क्वायर बी इज इक्वल टू के माइनस टू तो माइनस टू आम रहा स्क्वायर माइनस फोर एसी फोर ए इज इक्वल टू के फोर अच्छी तो सी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के जीरो तो मोर स्पेस कौन कर गार पकईदेली ना तो यार बर्तमान देख दुई वर्ग इम्प्लाय के दुई वर्ग माइनस माइनस प्लस दुई वर्ग है चार माइनस चार टू के षोह सिक्सटीन सी इज इक्वल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट आमर के फोर इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन सी एपटे आसे कौन हो प्लस सिक्सटीन सी तो इम्प्लाइज दैट आमर कौन हो सी इज इक्वल टू के गुण नहीं कि सिक्सटीन सीट अच्छी तो एपटे आसे कौन होरण हो चार चौ षोह नहीं कि तो आम चार के चार चार चौ आम के षोह तो सी इज इक्वल टू के इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू के वन बाय के फोर इम्प्लाइज दैट एट वन बाय फोर रहा तो यार सी इज इक्वल टू के पाइल आम वन बाय फोर पाइल तो सी रूल्य बाहर कर कही सी रान निरूपण कर कही तो सी इक्वल टू के पाइल वन बाय फोर पाइल तो यही आंसर है तो ये आईवी बर्तमान पढ़ करवा बर्तमान देखिए आम नंबर टू रि क्वेश्चन तो आम भिट क्वेश्चन कौन अच्छे के देख समीकरण गोटे मूल माइनस टू हेल्ले के मान निरूपण कर जिते बेले के मान पी रान थी से आमको से पूर्व आम थर्ड बिल भाया करेंसर पाइबा कि डायरेक्ट आम लिखा कि डायरेक्ट आम देख कर देख एखे आम लिखिपर आम समीकरण दिखाई है कितना फाइव ए स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के इज इक्वल टू आम के जीरो ठीक है तो मूलट दीदी के गोटे मूलटा दीदी के माइनस टू आम दिखाई तो एठार आम डायरेक्ट आम मूल मानने मूल माइनस टू मान एक्स जगह तुम्हें मान बसई देव है तुम फाइव इंटू एक्स एक्स जगह के बसई देव माइनस टू तो माइनस टू आम स्क्वायर प्लस टू इंटु आम माइनस टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो तो इम्प्लाइज के फाइव इंटु माइनस टू प्लस स्क्वायर दुई दुगुण चार तो माइनस माइनस प्लस यहाँ प्लस ये प्लस माइनस माइनस दुई दुगुण चार प्लस के इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ के पांच चौटा के कोड़े माइनस फोर प्लस के इज इक्वल टू जीरो मोर तो स्पेस गार पकई दूसरी है तो इम्प्लाइज देख के कोड़े रु चार बोले के लिए सिक्सटीन सिक्सटीन आम सिक्सटीन प्लस के इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज जेहतु के मान निरूपण कर तो के इज इक्वल टू के प्लस सिक्सटीन अच्छे एपटे आसे कौन हो माइनस सिक्सटीन जीव तो के मूल्य के पाइबले माइनस सिक्सटीन आराम कर शीघ्र आम पाइप तो है तो आम भि बिट बर्तमान बड़ कर भि बिट पाक जावा तो भि आई बिट बिट मैथ कौन कौन कर तो भि आई बिट यदि कहे गोटे मूल थ्री हेल्ले के मान पुणी निर्भर करेंटा अच्छी तो आम एनसर से भाया करदे आम भि बिट भाया तो ये लिख स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू आम के जीरो तो मूलटा आम दिखाई के आमको मूलटा दिखाई के थ्री दिखाई तो ये लिख थ्री एक्स जगह थ्री बसईदे तो आम के थ्री स्क्वायर इंटु के इंटु थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू आम जीरो तो इम्प्लाइज थ्री स्क्वायर है कि नाइन माइनस थ्री इंटु के थ्री के प्लस आम सिक्स इज इक्वल टू आम के जीरो तो इम्प्लाइज आम के देख नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस थ्री के इज इक्वल टू आम जीरो स्पेस में पूर्व अच्छे तो आम के आम इम्प्लाइज के माइनस थ्री के इज इक्वल टू प्लस फिफ्टीन अच्छे एपटे आसे कौन हो माइनस फिफ्टीन हो माइनस रही है तो कम कौन माइनस माइनस कैनसल कर दिव तो आम के इज इक्वल टू कौन हम के तीन टा गुण होती अच्छी एपटे आसे कौन आम हरण हो तीन पंचे पंद्रह है तो इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू के फाइव है के इज इक्वल टू के फाइव तो यहाँ है एनसर है के इज इक्वल टू फाइव तो यहाँ रहा एनसर तो बर्तमान आम कौन करवा नेक्स्ट पीट आम जावा भि डबल ए प्रश्न कर दी टू स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो समीकरण दुईट मूल बास्तव और समान हेल्ले के मान निरूपण कर तो बास्तव और समान आम पूर्व लिखी थे तो जिते बेले कौन से बास्तव और समान थी कौन हुए ना जिते बेले बास्तव और समान थी से कौन हम बास्तव और समान थी से कौन हुए आम डी इज इक्वल टू जीरो डी इज इक्वल टू जीरो तो आम एटे डी मैंने कौन करवा ए बी सी बाहर करवा तो यार आम ए इज इक्वल टू के टू बी इज इक्वल टू के के आउ सी इज इक्वल टू के थ्री रहा जेहतु प्रश्न अनुसार जेहतु आम कौन कही प्रश्न अनुसार बास्तव और समान कही प्रश्न अनुसार कहते प्रश्न अनुसार के मान निरूपण कर कही मानते कहते डी इज इक्वल टू जीरो प्रश्न अनुसार आम बास्तव और समान मान कौन डी इज इक्वल टू जीरो बास्तव और समान तो इम्प्लाइज डी इज मैं डी रमर फर्मुला कौन अच्छी ना बी स्क्वायर माइनस फोर एसी
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू के जीरो तो इंटरचेंज बी स्क्वायर बी इज इक्वल टू के के अच्छी तो यहाँ के रहा स्क्वायर माइनस फोर ए जगार के ना टू अच्छी सी जगार अच्छी के थ्री अच्छी है तो इज इक्वल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट के स्क्वायर इज इक्वल टू दुई चौ आठ आठ तेरी के चौबीस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू के जीरो तो यार आम पढ़ा कौन देख इम्प्लाइज दैट आम कौन है ना के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर अच्छी तो एपटे आसिक कौन है प्लस आम ट्वेंटी फोर हो तो आम ये कौन करवा के इज इक्वल टू बाहर करवा नहीं कि तो के इज इक्वल टू कौन है आम वर्ग अच्छे तो एपटे आस कौन वर्ग प्लस माइनस ओवर अपेक्ट होगा ट्वेंटी फोर हो तो आम कौन करवा ट्वेंटी फोर टू आम कौन 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 बाहर करा कि जदि आम वर्गमूल बाहर करुच्छे चौबीस को आम जब बाहर करुचे चौबीस रुद करुचे तो यहाँ को आम दुई जेहतु दुई दुई गुणे के दुई बार दुने चौबीस हो जाऊँगी देख दुईश बार हो जाए पुणी दुई तीन आम के छाला तो यार आम के आसु आम टू आसूर रहा दुई आउ थ्री अच्छे टू रूट ओवर अफ सिक्स होगा तो यहाँ आम टू गुणन दुई गुणन दुई गुणन आम तीन रुट ओवर आम जब लगे डबल रुट ओवर मैंने टू स्क्वायर मैंने तरह गोटे बाहरी तो बाहर नहीं मैंने टू रुट ओवर अफ सिक्स नहीं कि तो इम्प्लाइज दैट आम के इज इक्वल टू के ना आम प्लस माइनस टू रुट ओवर आम के सिक्स के टू रुट ओवर आम सिक्स तो यहाँ है कौन ना आम यही आंसर तो किए रम निरूपण कहुई तो मोर के रम निरूपण के इज इक्वल टू के पाइले प्लस माइनस टू रुट ओवर अफ सिक्स पाइले तो यहाँ थी नंबर टू फर्स्ट बिट रू आरंभ कर भि डबल आई मैंने सेवेन बिट पर्यंत आम डिस्कसन हो सर है तो परवर्त नंबर को आम कौन करवा नेक्स्ट भिडियो आम डिस्कसन करवा तो आम चैनल जो आप प्रथम कर देखुंत चैनल टी सब्सक्राइब करना तेल कौन करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब पाकर बेल आइकन पर क्लिक कर अल् नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करनी जहाद्वारा आम न्यू चैप्टर न्यू नंबर भिडियो नोटिफिकेशन आप प्रथम पहुंची पार और आप देखिपारे भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक करूँ और भिडियो को सांगसाथी सहित सेयार करूँ।